एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो खत्म हो चुकी है। न जाने ऐसे कितने कयास, न जाने ऐसे कितने अफवाहें फैल रही थी दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से। कितने सारे मीडिया आउटलेट्स, कितने सारे मीडिया सोर्सेस भी ये दावा ठोक रही थी कि अभी निकल जाएगा, 5 घंटे के अंदर निकल जाएगा, यानी एनी टाइम निकल जाएगा, अभी किसी भी समय पर निकल जाएगा यार। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने भी खबर दी थी हालांकि, लेकिन ये खबर शायद इतना दावा ये कर सकता है जो सच भी लगे आप सभी को। तो इस दावे को लेकर आप सभी के सामने फिर से हाजिर हो चुका है दोस्तों। तो जी हाँ, स्टूडेंट फरमाइश, इंडिया की फरमाइश में आप सभी का फिर से स्वागत है। और देखते हैं कि आज का डेट और आज का जो 23rd of July क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 23rd of July पे आप सभी तो फिर से स्वागत है। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चीज खबर निकल के आ सकती है कि एसबीआई स्पोक्स पर्सन ने यह दावा ठोका है, यानी एसबीआई स्पोक्स पर्सन ने खुद आके मीडिया आउटलेट्स पे ये कंफर्म की है कि अभी नहीं भाई, और 2 दिन के अंदर आपकी रिजल्ट निकल जाएगी। यानी इन्होंने ये कहा है, द रिजल्ट्स ऑफ एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन 2 डेज एंड द कॉल लेटर फॉर द मेन एग्जामिनेशन विल डिक्लेयर रेडी आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। यानी आपकी जो रिजल्ट है वो निकलेगी दोस्तों वेनेसडे को निकलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया गिविंग ए साई ऑफ रिलीफ, एक राहत सी एक जो चीज निकल के आई है दोस्तों कि वेनेसडे को ये आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। अब सवाल आता है कि अगर रिजल्ट डिक्लेयर भी हो गया, वेनेसडे हो गया, थोड़ा लेट सा हो गया, तो क्या ये मेंस एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकता है क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ, मेंस एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं होगा। लॉजिक देखिए, यहाँ पे देखिए, 5 तारीख को आपका एग्जामिनेशन का डेट है। अगर मान लो 5 तारीख को वो डेट एग्जामिनेशन नहीं भी करता है तो वो नेक्स्ट सैटरडे को करेगा, और नेक्स्ट सैटरडे कौन सा बनता है, 11 तारीख, 11 तारीख बनेगा। लेकिन 11 तारीख को दोस्तों ऑलरेडी आईबीपीएस आरआरबी की एग्जामिनेशन रिजर्व हो चुकी है, और 11 तारीख ना भी बना तो उसका नेक्स्ट, अगर आप सोच रहे हो उसका नेक्स्ट वीक को कर देगा, लेकिन वो भी डेट पे हो चुकी है, यानी ऑफिस असिस्टेंट और आपकी आरआरबी पीओ की एग्जामिनेशन पूरा कंफर्म है दोस्तों। तो ये जो डेट्स बुक की गई है तो ये आईपीएस आरआरबी तो छोड़ेगा नहीं, तो ये बोलेगा कि यार भाई हमारा जो डेट्स है वो तो बुकिंग हो चुकी है, तो एसबीआई क्लर्क अपना जो मेंस एग्जामिनेशन वो 5 तारीख से बिल्कुल शिफ्ट भी नहीं करेगा दोस्तों। तो ये जो बिल्कुल अफवाहें घूम रहा था कि यार 5 तारीख को नहीं होगा, उसके अगले तारीख को होगा, ये बिल्कुल झूठ सी बात है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई मंडे या ट्यूजडे या कोई वर्किंग डे में कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई वर्किंग डे में हो सकता है, क्योंकि हमेशा सैटरडे और संडे को ही होता है। तो ये मान के चलिए कि संडे आगे की जो सैटरडे संडे है वो तो बिल्कुल पैक हो चुकी है, आईपीएस आरआरबी की पैक हो चुकी है दोस्तों, वो अपना डेट्स नहीं देगा एसबीआई क्लर्क को। और एक चीज को लेकर दोस्तों आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि एसबीआई क्लर्क की जो रिजल्ट्स हम तो डेली एसबीआई के वेबसाइट में चेक भी कर रहे हैं, मैं भी चेक कर रहा हूं, लेकिन यार क्या हम इस चक्कर में क्या अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? तो मैं कहूंगा हाँ जी हाँ, बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। फिर से ले चलता हूं उसी स्लाइड पे और बताना हो कि क्यों कैसे बर्बाद हो रहा है हमारा टाइम। देखो, अब ये जो डेट है 11 तारीख को आपकी आरआरबी पीओ की एग्जामिनेशन है, 11 तारीख यानी अगस्त की 11 दिन और अभी का 7 दिन, यानी मान के चलिए 18 दिन के बाद आपकी आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन है मेरे भाई, 18 दिन के बाद आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन है, और ठीक उसके 7 दिन के बाद 24 दिन आपको मिलेंगे आपको ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी करने के लिए। यानी 18 दिन आपको मिलते हैं आरआरबी पीओ की तैयारी करने के लिए और 24 दिन मिलते हैं आपको आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी करने के लिए। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम अपनी समय बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों, आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए लगना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बहुत ही जल्दी ये वीडियो इसलिए लाया था दोस्तों क्योंकि ये बहुत सारी फरमाइश रखी गई थी कि यार भाई आप बता दीजिए कि क्लर्क रिजल्ट कब तक है। तो लो आपके सामने हाजिर है ये बंदा दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, एंड प्लीज डू लाइक। अगर लगता है कि यार सच इन्फॉर्मेशन आपको है तो प्लीज लाइक भी एक जरूर कर दीजिएगा, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।